हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं अप्पे, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिख ही रहे होंगे, क्योंकि अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपको जानने हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा के रखिए, और हमारे वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए अभी इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए मिर्ची, ब्रेड, रवा, अदरक, मिर्ची और ये बॉइल्ड आलू, दही, धनिया, गरम मसाला, अंगूर, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी और मिर्च मसाला। तो चलिए अभी इस रेसिपी को ना स्टार्ट करते हैं। इस ब्रेड को ऐसे टुकड़े में तोड़ लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा गरम पानी मिक्स कर देते हैं। इसमें हम रवा डाल देते हैं। दही डाल रहे हैं। ये हमारी रवा और ब्रेड, ये देखिए बिल्कुल सही स्मूथ बन गया है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक ज़रूरत अनुसार। इसमें हम एक पंच डालते हैं बेकिंग सोडा, जिससे हमारे अप्पे मुलायम बनेंगे। अब इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिसमें इसमें अच्छा सा खमीर उड़ जाए, उसके आगे की तैयारी करना शुरू कर देंगे। अप्पे का स्वाद जो है चटनी के साथ अच्छा लगता है। अब हम अपनी अंगूर की चटनी बना रहे हैं। इसमें मैंने डाली धनिया, अब मैंने इसमें डाले लगभग 50 ग्राम अंगूर, मैंने इसमें डाली अदरक, दो लहसुन की कली, एक मिर्चा, हल्का सा नमक, अब इसमें हम हल्का सा पानी डाल के और मिक्सी से पीस लेते हैं। हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई। इसमें क्योंकि अंगूर जो होता मीठा होता है, इसलिए हम थोड़ी सी इसमें नींबू मिला रहे हैं, जिससे चटनी हमारी थोड़ी खट्टी रहे। अब देखिए कितनी अच्छी चटनी बन के तैयार है, इसका अलग ही स्वाद होगा। अब हम आलू की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। ये 5 आलू मैंने छील लिए हैं। अब इनको जो है थोड़ा किस लें और उसके बाद में सभी चीज़ मिला के आपको दिखाते हैं। अब मैंने अपने चारों आलू किस लिया है अप्पे की फिलिंग के लिए। इसमें हम मिलाते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा, थोड़ी सी पिसी धनिया हल्की सी, मिर्च स्वाद अनुसार, नमक, थोड़ी सी एकदम रोगी मिर्च, और इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया मिला रहे हैं, जिसका एक अपना विशेष स्वाद होता है। अब इसको हम थोड़ा
इसको हम अब मिलाएंगे, ये मिल के हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारा मिलके तैयार हो गया है, इसकी हम मिलके तैयार हो गया है, इसकी हम छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। इसमें हल्का सा बिल्कुल कड़ू तेल भी डाला जाएगा। अब इसको हम हाथ से गोली बना लेते हैं। अप्पे के लिए गोलियां तैयार कर लिया है, अब हमारा बैटर भी फूल गया, अब हम अप्पे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा बैटर भी देखे फूल के एकदम सही बन गया है। अब हम अप्पे बनाने की ब्रेड और रवा बिल्कुल मिक्स हो गया है, इसमें अप्पे बनाने की तैयारी कर ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल इनो मिला देते हैं, जिसमें कि ये बहुत स्पंजी बनेगा। अइनो मिला करके तुरंत बना लीजिए, अइनो एक ही तरफ को फेंटिए, अब बस तुरंत बना लीजिए, इनो रखना नहीं चाहिए मिला के। ये देखिए कितना अच्छा सा बैटर बन के तैयार है। अप्पे के लिए मैंने चढ़ा दिया है, इसको थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। ये देसी घी ही हम लगा रहे हैं, आपके पास जो हो तेल हो तेल लगा लीजिए, मक्खन हो मक्खन लगा लीजिए, घी हो घी लगा लीजिए, हम देसी घी से ही बना रहे हैं। मैंने इसमें आलू की गोलियां रख दी हैं, आलू गोली बाद में हल्का सा बैटर ऊपर लगा दीजिएगा। ये देखिए जैसे हम लगा रहे हैं, जिससे हमारे अप्पे बनके तैयार हो जाए। आंच जो है धीमी रखिए, नहीं अप्पे जो है जल जाएंगे। अब इसको मैं ढक दे रही हूँ और धीमी आंच में अप्पे को पकने दे रही हूँ। मैंने अप्पे पलट लिए, इसमें थोड़ा सा घी और देसी लगा देंगे, जिससे कि अप्पे जो है कुरकुरे हो जाए। अप्पे बहुत ही मुलायम बने हुए हैं, उनको पलटना बड़ी सावधानी से पड़ता है, पलटने में टूटने भी लगते हैं। ये हमारे अप्पे अब बन के तैयार हो गए, ऊपर से कुरकुरे हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इस तरह से चटनी से उठाइए और खा लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, बेल आइकन दबा दीजिए और हम मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।